नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत काबिज हुई है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने कहा अब अफगानी महिलाओं का क्या होगा। जहां कभी महिलाएं स्कर्ट पहनती थी, वो आज मोटे कपड़ों के बने बुरकों में खुद को पूरी तरह छुपाने के लिए मजबूर हैं। आखिर अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ ऐसा क्या हुआ है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। इस कहानी के छह हिस्से हैं। 1919 से 1978 तक अफगान के अपने लोगों का शासन। दूसरा 1978 से 1989 तक सोवियत यूनियन की सेना का शासन। तीसरा 1989 से 1996 तक तालिबान और अफगान सरकार की लड़ाई के दौर में। चौथा 1996 से 2001 तक तालिबानी हुकूमत के दौर में। पांचवा 2001 से 2021 तक अमेरिकी सेना का शासन। और अब छठा फिर से तालिबानी हुकूमत। आइए बारी बारी से एक एक करके चलते हैं। साल 1919 से 1978 अफगान के अपने शासक, जो मर्जी पहनने की आजादी थी। साल 1926 अफगानिस्तान में शासन और अमीर अमानतुल्लाह खां का था। उन्होंने अफगानिस्तान में नया ड्रेस कोड लगाया जिसमें औरतों के ऊपर छोड़ा गया कि वो चाहे तो पर्दा करें, चाहे तो ना करें, और उनका जैसा मन हो वैसे कपड़े पहने। अमानतुल्लाह खां की एक लाइन बड़ी मशहूर है, धर्म में ये जरूरी नहीं है कि औरतें अपने हाथ पैर और चेहरा ढकें। अमानतुल्लाह खां की पत्नी क्वीन सोराया का एक बयान कैनेडियन वुमन फॉर वुमन इन अफगानिस्तान नाम की रिपोर्ट में दर्ज है। ये मत सोचिए कि सिर्फ मर्द देश की सेवा करें। इस्लाम की शुरुआती दिनों में औरतों ने बढ़ चढ़कर समाज की सेवा की। हमें भी अपने देश के विकास में हिस्सा लेना है, लेकिन ये बिना पढ़ाई लिखाई के नहीं होगा, इसलिए घरों से निकलिए, ज्ञान हासिल कीजिए। 1966 से 71 के बीच 14 अफगानी महिलाएं जज थी और 2 सीनियरेट। यूके का एक एनजीओ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स से जुड़ा डाटा इकट्ठा करता है। इनकी रिपोर्ट्स का दावा है कि 1919 में अफगान महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। 1923 में औरतों को अपनी पसंद से शादी करने के कानूनी अधिकार मिल गए थे। 1928 में अफगानी महिलाओं का एक ग्रुप तुर्की में स्कूल अटेंड करने गया था। 1940 से 1950 के बीच अफगान महिलाएं नर्स, डॉक्टर और टीचर्स बनने लगी। साल 1959 से 1965 आते आते अफगानी महिलाएं सिविल सर्विसेज में, स्पोर्ट्स में खुलकर हिस्सा लेने लगी। 1965 में 2 महिला सीनियरेट चुनी गई थी और 1966 से 71 के बीच अफगानी अदालतों में 14 महिला जज पहुंच गई थी। एक रिपोर्ट का दावा है कि 60 के दशक में 8% अफगान महिलाएं बाहर जाकर नौकरी करने लगी थी, खुद पैसे कमाने लगी थी, उनकी स्टाइल और फैशन की चर्चा होने लगी थी। 1978 से 1989 तक महिलाओं का घर से निकलना हुआ बंद। 1978 के दौर में दुनिया की 2 महाशक्तियां हुआ करती थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बाद में नहीं रहा, उसका बड़ा हिस्सा अब रूस है। तब अफगानी लोग राजशाही से मुक्ति चाहते थे और सोवियत यूनियन पीछे से सपोर्ट कर रहा था। ये बात अमेरिका को फूटी आंख नहीं भाती थी। एक तरफ सोवियत यूनियन के सपोर्ट से अफगान क्रांति हो गई, तो दूसरी ओर अमेरिका ने गुप्त ऑपरेशन शुरू किया और तभी से अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले मुजाहिदीन पैदा हो गए। अमेरिका के पैसों पर पलने वाले लड़ाकों ने पहला काम किया इस्लामिक कानून को मनवाने का और महिलाओं की आजादी को खत्म करने का। हालात बिगड़े तो सोवियत यूनियन ने 1980 में अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी। मुजाहिदीन और सोवियत सेना ने 9 सालों तक टकराती रही। जिन जगहों पर सोवियत सेना ताकतवर होती वहां महिलाएं पहले की तरह काम करती, लेकिन जिन जगहों पर मुजाहिदीन का प्रभाव बढ़ता वहां की महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुहाल हो जाता। 1989 से 1996 तक अफगान सरकार और तालिबान की लड़ाई, लेकिन नुकसान सिर्फ महिलाओं का।
सोवियत यूनियन ने अपने सेना वापस बुला ली और अफगानियों को छोड़ गए उनकी किस्मत पर। अमेरिका का भी मतलब निकल गया था, वो भी भूल गए थे कि उसने अफगान में धार्मिक कट्टरता को जन्म दिया था। महिलाओं पर हिंसा की खबरें आम हो गई। गृह युद्ध के दौरान महिलाओं की आवाज बाहर ही नहीं आ पाई। अफगानी महिलाएं मुजाहिदीन और सरकार दोनों से नाराज थी। तभी धार्मिक पढ़ाई करने वाले छात्रों का ग्रुप बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा था। इसका नाम था तालिब। 1990 में जब इसे अपना नेता मिला मुल्ला मोहम्मद अमर, तो इसका नाम हो गया तालिबान। देश गृह युद्ध से गुजर रहा था, नौकरियां जा चुकी थी, हिंसा के डर से महिलाएं घर में रहने लगी थी, लेकिन तालिबान ने महिलाओं के लिए कुछ और ही सोच रखा था। 1996 से 2001 तक अफगान में तालिबान ने महिलाओं को यौन दासी बना दिया। कब्जा लेते ही तालिबान ने कहा, शरिया कानून लागू हो चुका है, कानून लंबा चौड़ा है, इसलिए इसमें महिलाओं के लिए जो बातें हैं उन पर गौर करिए। बिना मर्द को साथ लिए कोई महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती। घर से बाहर निकलते वक्त पर्दा ना करना अपराध है। बाहर रहने पर ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहन सकती जिसमें शरीर का जरा भी अंग दिखाई दे। किसी मर्द डॉक्टर से चेकअप नहीं करा सकती। फिर पति की सेवा और घर के अंदर के काम के अलावा कोई बाहरी काम नहीं कर सकती। जब कोई महिला काम ही नहीं कर सकती तो महिला डॉक्टर बनेगी नहीं, और पुरुषों से महिलाएं चेकअप नहीं करा सकती, ऐसे में महिलाओं को डॉक्टरी सुविधा ही नहीं मिली। कोई लड़की पढ़ाई नहीं कर सकती। किसी खेल में हिस्सा लेना तो दूर, स्टेडियम में जाकर कोई खेल देख भी नहीं सकती। अगर कोई महिला बिना मर्द को साथ लिए घर से बाहर आ गई तो तालिबानी समर्थक या तालिबानी सेना के लोग ऐसी महिलाओं को सरेआम पीटने लगते थे। संगीत नहीं सुन सकती, सिनेमा नहीं देख सकती, सारे सिनेमा हॉल तोड़ दिए गए, जैसा कि अब ब्यूटी पार्लर्स पर कालिख पोती जा रही है। अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखनी होगी ताकि बाहर से कोई भी किसी महिला को देख ना सके। अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती। जब 2020 में काबुल के गाजी स्टेडियम क्रिकेट लीग शुरू हुआ तो ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। ये वही स्टेडियम है जिसमें 1999 में एक महिला पर अश्लीलता के आरोप लगाकर उसकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट कहती है कि तब 1996 से लेकर 98 के बीच 2 सालों के भीतर 100 गर्ल स्कूल बंद करा दिए गए थे। अगर कोई शरिया कानून की बातों को ना मानने की जरूरत करता तो उसे कोड़े मारे जाते थे, सरेआम चौराहों पर लाकर पत्थर मार मार कर जान ले ली जाती थी, भले ही नाबालिग क्यों ना हो, भले ही औरत क्यों ना हो, भले ही बुजुर्ग क्यों ना हो। 2001 से 2020 तक अमेरिकी सेना का शासन, महिलाओं के साथ हिंसा लेकिन होती रही। अमेरिकी सेना के शासनकाल के बारे में यूनिसेफ और ह्यूमन राइट्स के कुछ डाटा हम बारी बारी से रख रहे हैं, उन्हें भी देखिए। 2015 से अब तक पहली कक्षा में लड़कियों के नाम लिखाने में 57% की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल अफगानिस्तान के सिर्फ 37% टीनेज लड़कियां ही पढ़ लिख सकती थी, लड़कों में यह आंकड़ा 66% का है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 37 लाख अफगानी बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं भेजे जाते, इनमें से 60% लड़कियां होती हैं। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए बने वैश्विक गठबंधन GCPA ने बताया कि 2017 से 2019 के बीच अफगानी स्कूलों पर 300 से ज्यादा हमले हुए। 8 मई 2001 को काबुल के दशते बारची जिले के सैयद अल शुहादा गर्ल्स स्कूल के सामने कोई एक कार खड़ी कर गया। जब स्कूल की बच्चियों की छुट्टी हुई तो कार में भरा बम फट गया। इनमें 85 लोगों की मौत हुई, इनमें से ज्यादातर उस स्कूल की बच्चियां थी। 147 छात्राएं घायल भी हुई थी। अफगान में फिलहाल हर 10,000 लोगों पर केवल 4.6 डॉक्टर, नर्स या किसी तरह के मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। इन तक पहुंच भी 90% से ज्यादा केवल पुरुषों की है। अफगानी महिलाएं मेडिकल सुविधाओं के लिए तरसती हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रति 10,000 लोगों पर कम से कम 23 मेडिकल प्रोफेशनल्स वाले देशों को उस कैटेगरी में रखता है जहां सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं सही से मिल जाती हैं। अफगानिस्तान इससे 500% कम सुविधाओं में जी रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार कई बार ऐसी नौबत आती है जब बुखार से तड़पती महिलाएं एक एक गोली के लिए तरसती हैं। ग्लोबल राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की 87% महिलाएं किसी न किसी रूप में पुरुषों के शोषण की शिकार हैं, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, सबके सामने हिंसा करना हो, पैसे को लेकर बेइज्जत करना हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना हो, या फिर उनके ऊपर सेक्स के लिए हिंसा करना हो। इस तरह के मामलों को जब जोड़ते हैं तो पाते हैं कि हर साल 100 अफगान महिलाओं में से 87 महिलाएं सताई हुई होती हैं। 15 अगस्त 2021 के बाद अब तक देश से भागने के लिए रनवे पर फ्लाइट के साथ झूलती दिखी महिलाएं।
काबुल पर 15 अगस्त को तालिबानी सेना ने कब्जा कर लिया था। अगले कुछ दिनों में तालिबान ने पूरे अफगान पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। इसके बाद काबुल एयरपोर्ट पर महिलाओं को भागते हुए विमानों पर झूलते हुए देखा गया, बिलखते हुए देखा गया, रोते हुए देखा गया। अफगानिस्तान में महिलाओं की मौजूदा हालात देखने समझने के लिए इन 5 महिलाओं के बयान भी जरूरी है देखने। अफगानिस्तान में चुनाव आयोग की पूर्व सदस्य जारमीना काकर ने मीडिया को बताया, इन दिनों मुझसे कोई पूछता है कि मैं कैसी हूँ तो इस सवाल पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं कहती हूँ कि ठीक हूँ, लेकिन असल में हम ठीक नहीं हैं। हम ऐसी दुखी पंछियों की तरह हो गए हैं जिनकी आंखों के सामने धुंध छाई हुई है और हमारे घरौंदों को उजाड़ दिया गया है। हम कुछ नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं और चीख सकते हैं। अफगानिस्तान की फैशन फोटोग्राफर फातिमा कहती हैं कि अफगानी महिला दुनिया की सबसे स्टाइलिश औरतों में मानी जाती हैं, पर तालिबान के लौटने से उन्हें फिर से बुर्के में लौटना पड़ा। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 26 साल की हबीबा कहती हैं, तालिबान ने स्कूल कॉलेज तो बंद करा दिए लेकिन बुर्के की दुकानें खोल रखी हैं। इनमें मोटे कपड़े वाले बुर्के की मांग सबसे ज्यादा है जो महिलाओं को पूरी तरह से ढक देता है। मेरी माँ मिन्नतें कर रही हैं कि मैं और मेरी बहन बुर्का पहनना शुरू कर दें। माँ को लगता है कि वो हमें बुर्का पहनाकर तालिबान से बचा लेंगी, लेकिन हमारे पास बुर्का नहीं है, ना मैं खरीदना चाहती हूँ। बुर्का पहनने का मतलब हुआ कि मैंने तालिबान को खुद को कंट्रोल करने का अधिकार दे दिया। मुझे डर है कि जिन उपलब्धियों के लिए मैंने इतनी मेहनत की वो अब मुझसे छिन जाएंगी। काबुल यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स कर रही आयशा कहती हैं, मेरे फाइनल सेमेस्टर पूरे होने में महज 2 महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन अब मैं शायद ही कभी ग्रेजुएट हो पाऊँ। लोग सदमे में हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। 28 साल की नीलोफर अयूब जो इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी चलाती हैं, कहती हैं कि हालात जो भी हो वो अपना काम नहीं छोड़ेंगी। नीलोफर के मुताबिक अगर तालिबान आते हैं तो उन्हें या तो मुझे काम करने देना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। तालिबान ने जो हालिया फोटो जारी की है उसमें लड़कियां स्कूल जाती दिख रही हैं। कुछ महिलाएं अपने लिए राजनीति में अधिकारों की भी मांग कर रही हैं। लेकिन ये सामने आ रहा है कि न्यूज चैनलों में महिला न्यूज रीडर और जर्नलिस्ट को घर बैठने को कह दिया है। वहां के सबसे युवा मेयर ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। फिलहाल एक उम्मीद है। अपनी छवि सुधारने में लगे तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन का कहना है कि हम महिलाओं की इज्जत, संपत्ति, काम और पढ़ाई करने के अधिकार की रक्षा करने के लिए समर्पित हैं। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें काम करने से लेकर पढ़ाई करने के लिए भी पिछली सरकार से बेहतर सुविधाएं मिलेगी। लेकिन तालिबान कितना सच बोल रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तालिबान ने जितने मुखौटे अपने चेहरे पर लगा रखे हैं वो एक एक करके कुछ ही दिनों में सामने आते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉल इंडिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां की महिलाएं अपने अधिकारों और अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को लेकर डरी हुई हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने अफगानिस्तान की बदतर होती स्थिति को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम से इतहदुल्ला मुस्लिम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि भारत में करीब 10% लड़कियों की मौत 5 साल से कम उम्र में हो जाती है, लेकिन चिंता अफगानिस्तान की हो रही है। वो कहते हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ बेहिसाब जुल्म होते हैं, लेकिन केंद्र को चिंता अफगानिस्तान की महिलाओं की है। आप भी सुनिए क्या कहना है ओवैसी का। एक रिपोर्ट है, आपको मालूम हमारे मुल्क में 4,07,00,000 बच्चियां गायब हो जाती हैं। 4,00,000, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती हैं और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है, वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। सालारे मोहतरम याद आए, सालारे मोहतरम क्या कहते थे, मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाए, बोलते थे ना साला। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा, हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां गई पूरा वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई। आपको क्यों दिखा रहे मालूम, आपको
दिखाने का मकसद ये है कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा था, कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ वहां, लग जाओ ड्यूटी पे, लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में, कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे, गनी तो चलेगा दुबई, अभी यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? अपना जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के? 700 करोड़, $3 बिलियन आप सोचो कितने होते? $3 बिलियन हम खर्चा किए। ये जब मैं सवाल किया तो लग गए वहां पे, वहां ऐसा हो रहा। 2013 में मैं बोला, मैं नहीं बोला बल्कि जो मुझसे ज्यादा जो काबिल लोग हैं, जिनकी दूर अंदेश निगाहें उसको देख रही थी, मेरे को बोलते थे। और मुझ में आदत यह है कि अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के उनको फोन करके या उनसे मिलकर पूछता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताओ। वो उस वक्त से बोल रहे, वो तमाम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, बड़े बड़े सहाफी जो हैं, कि देखो ये होगा। 14-15 में बोला, आप क्या करें बताइए, आप तो दूर हो गए उन लोगों से। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से, मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। पाकिस्तान उस जगह को, अब वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अलकायदा और दाइश अफगानिस्तान के, वो बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर हुकूमत ही नहीं है। ऐसे कई इलाके माने 300-400 किलोमीटर रकबे पर कोई चीज नहीं है, वहां पर दाइश अलकायदा आ चुके हैं। सीरिया से, इराक से वहां शिफ्ट हो गए। जैश मोहम्मद, एक नाम इतना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे टेररिज्म करते हैं गलीज लोग, पार्लियामेंट पे अटैक किए, एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके खंडार लेकर गए, वो लोग हेलमंड एक जगह है वहां पर आकर बैठ चुके हैं। किसको नुकसान होगा बताओ आप? ISI पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, ये बात जहन में रखो आप। ISI भारत की दुश्मन है। 20 साल बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ खौफ का मंजर है। तालिबान के लड़ाके लगभग हर शहर की सड़कों पर हथियार लहरा रहे हैं। आगे क्या होगा किसी को कुछ भी पता नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक बार फिर से उन्हें बंदूकों के साए में रहना होगा, लिहाजा अफगानिस्तान के लोग अब तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। काबुल से लेकर कंधार और फिर जलालाबाद तक हर जगह अफगानी प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों से गोलीबारी की भी खबरें आ रही हैं। इसके बावजूद अफगानी अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर डटे हैं। चरमपंथी किसी भी असंतोष को दबाने के लिए अग्रसर हैं, जबकि उन्होंने वादा किया है कि अफगानिस्तान पर अपने पिछले शासन की तुलना में वे उदार होंगे। कई लोगों को यह डर सता रहा है कि तालिबान महिलाओं के अधिकार और मानव अधिकारों के विस्तार को 2 दशकों के प्रयास को बर्बाद कर देगा। अगर बीते गुरुवार को देखा जाए तो काबुल हवाई अड्डे के पास लोगों ने कारों में सवार होकर मार्च निकाला। इस दौरान उनके हाथों में अफगान के झंडे के समान लंबे काले लाल हरे बैनर थे। नागरहा प्रहार में प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो लगातार जारी किया गया है, जो वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी को गोली मारी जा रही है, उसका खून बहाया जा रहा है, लोग उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ऐसी ही तस्वीरें सोख्त प्रांत की आई है, जहां तालिबान अधिकारियों ने प्रदर्शन को दबाने के बाद 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया था। कुनार प्रांत में भी लोग सड़कों पर उतरे। तालिबानियों ने बुधवार को हिंसक तरीके से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया था। जलालाबाद में प्रदर्शनकारियों ने तालिबान का झंडा हटाकर अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया था।
उसी दौरान एक व्यक्ति मारा गया। इस बीच अफगानिस्तान के पंचशीर घाटी में पहुंचे विपक्षी नेता नॉर्दर्न अलायंस के बैनर तले सशस्त्र विरोध करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये स्थान नॉर्दर्न अलायंस लड़ाकों का गढ़ है, जिन्होंने 2001 में तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। ये एकमात्र प्रांत है जो तालिबान के हाथ नहीं आया। 18 अगस्त को तालिबान लड़ाकों ने जलालाबाद में झंडे लहरा रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिनमें से 3 की जान चली गई। बुधवार को असादाबाद और एक अन्य पूर्वी शहर सोख्त में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि वे तालिबान के लिए कितना गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि महज कुछ ही दिनों में लड़ाकों ने अफगान सशस्त्र बलों के नाममात्र विरोध के बीच करीब पूरे देश पर कब्जा कर लिया। हालांकि तालिबान ने अभी तक उस सरकार के लिए कोई योजना पेश नहीं की है जिसे चलाने की वो इच्छा रखता है। उसे केवल इतना कहा है कि वो शरिया या इस्लामिक कानून के आधार पर सरकार चलाएगा। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद एक तरफ जहां तालिबान वहां की सत्ता में आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच वहां पर लोग सड़कों पर उतरकर तालिबान का जोरदार विरोध भी कर रहे हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद काफी संख्या में लोग पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बुधवार को तालिबान ने कंधार स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास जाकर वहां पर डॉक्यूमेंट्स की तलाशी ली थी। ऐसी तस्वीरें तमाम सामने आई। गौरतलब है कि भारत सरकार की तरफ से पहले ही काबुल स्थित भारतीय दूतावास से राजदूत और अन्य स्टाफ को निकाला जा चुका है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वहां का दूतावास बंद नहीं किया जाएगा और वहां पर फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए मदद की जाएगी। इसके साथ ही स्पेशल सेल बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द सुरक्षित अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के वापसी सुनिश्चित हो। भारतीय राजदूत कर्मियों सहित करीब 200 लोगों को 2 सैन्य विमानों से बाहर निकालने का काम अमेरिका की मदद से पूरा किया गया था। विदेश मंत्रालय ने 16 अगस्त को विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ की स्थापना की थी ताकि व्यवस्थित तरीके से अफगानिस्तान से वापसी और अन्य अनुरोधों के संबंध में समन्वय स्थापित की जा सके। मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इस प्रकोष्ठ में विदेश मंत्रालय के युवा अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। इसमें से 20 से ज्यादा अधिकारियों को लगाया गया है जिस काम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। अधिकारी फोन कॉल सुन रहे हैं, ईमेल और व्हाट्सएप देशों का जवाब भी दे रहे हैं और संपर्क करने वाले लोगों की वर्तमान स्थिति और कुशल क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसके तहत अफगानिस्तान में अभी भी मौजूदा भारतीयों के आंकड़ों को देखा जाए और मदद मांगने वालों से जानकारी प्राप्त करने उन्हें आगे के कदम के बारे में सुझाव दिया जा रहा है। इस सेल का गठन काबुल स्थित भारतीय दूतावास से कर्मियों के भारत लौटने से पहले ही किया गया था ताकि अफगानिस्तान में फंसे शेष भारतीयों से निर्बोध संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि इसी महीने अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पूरा ध्यान अफगानिस्तान की राजधानी से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने पर है। और साथ ही बात में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे तमाम मुद्दों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।